रश्मि जी ये साइड धूप आएगा उधर सही है। इस तरफ आइए ना, इस तरफ। अरे सही है, अरे उधर धूप ज्यादा है। अरे सही है, इधर भी सही है। मचा रहा है धमाल, क्या क्या गाने ही मचा रहे धमाल। गानों के बगैर कैसी जिंदगी। रश्मि जी इधर कोई ना कोई आपको टोकी देता है। सो आई थिंक यू डू व्हाटएवर इज राइट फॉर यू, यू डू व्हाटएवर इज गुड फॉर यू एंड यू डू इट फॉर योर ओन राइट। यस, एंड रश्मि इज लुकिंग सुपर हॉट इन द वीडियो। ओके, फर्स्टली अबाउट द सॉन्ग, कांग्रेचुलेशंस। सो टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग, यू हैव, यू गाइस हैव केम टुगेदर। सलीम भाई, गाना जैसे मैंने बताया परवा है गाने का नाम, और मैंने अपनी जर्नी तो ऑब्वियसली देखी, मैंने रश्मि की भी जर्नी देखी है। रश्मि एक सेल्फ मेड एक्टर जो बचपन से इस दुनिया में छा रही है, एंड आई थिंक वी बोथ हैड दैट लाइफ जहाँ हमें जजमेंट भी मिली हैं और अच्छा तो हुआ ही है लेकिन बुरा भी हुआ है। सो आई थिंक ये सॉन्ग उन सब लोगों के लिए है जो लाइफ में रहा, जो कहते हैं ना भेड़ चाल से थोड़ा अलग चलना चाहते हैं, तो इट्स लाइक अ इंस्पिरेशन फॉर देम। एट द सेम टाइम I would say preachy गाना नहीं है, ऐसा फन सॉन्ग। वी डिड इट इन द कांदिवली स्लम्स। द थॉट ऑफ द सॉन्ग इज कि लोग देख रहे हैं हमें, बट वी आर स्टिल वॉकिंग आर वॉक, टॉकिंग आर टॉक, एंड आई थिंक पीपल विल लव द सॉन्ग होपफुली। हमने अपना काम कर दिया है। आई थिंक द वीडियो, जिस तरह से वीडियो शूट किया है वो बहुत बहुत ही सुपर्ब है, बहुत बहुत अच्छा है। आई थिंक सो लुक वाइज बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा जैसे कि नेहा ने कहा, अगर वैसे भी देखने जाए, आई थिंक द जर्नी इटसेल्फ of your life is very well and beautifully shown in this video, and the wordings are very beautiful. It's of course it's a female singer, but mostly ye bahut ek aisa attitude wala gana hai jisse like apni galtiyon se bhi insaan definitely seekh ke aage badhta hai, and I think so it's about most of the women jinhe actually agar criticize bhi kiya jata hai but they never give up. It's about that attitude. लोगों का काम है कहना, अगर लोगों की बातें सुन के बैठ जाओगे, गलना फड़ के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं करोगे लाइफ में। ओके, सो आज आप खतरा खतरा शो में आए हो, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो रश्मि मैम, आप फिर से आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे भारती आते रहती है बिग बॉस में बार बार, मैं खतरा खतरा पे आना छोड़ूंगी नहीं। मैम आज दो सुपर लेडी खतरा खतरा में आए, कितने ज्यादा क्या कुछ गेम्स होगी अंदर उनके हिसाब से, क्योंकि सुंदर लड़कियां हमेशा गीली करनी चाहिए, गीली लड़कियां अच्छी लगती है तो गीली करेंगे। हमें भी गीला का बहुत शौक है भाई, ऐसे से ये 9 महीने जो ये खेल नहीं पाई है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही वो सारी बड़ाई हम पे निकालने वाली है लग रहा है। पूरा निकाले हैं, फ्री में जब कोई आता है तो पूरा निचोड़ के भेजो ताकि नेक्स्ट डे कोई काम ना कर पाए, हम सबको रेस्ट का मौका दे। तो पहले ये हमें गीला करेगी, फिर हमें निचोड़ेगी, फिर हमें घर भेजेगी, राइट बात है। कौन सी गेम होगी कुछ तो पहले बता देंगे तो फिर ग्रुप पे क्या देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।